नमो नमो हरिहन्ताणं नमो नमो श्रीसिणं नमो नमो आयरियाणं नमो नमो वयाणं नमो लोये सुवसहुणम् सोपञ्च नमुरो एोपञ्च सो नमुकारो सर्व पणासनो मङ्गलाञ्च सर्वे सिंह पढमं हवै मङ्गलम् धर्म के क्षेत्र में जिन-जिन का काम है धर्म के क्षेत्र में जिन-जिन का काम है साधना के क्षेत्र में जिन-जिन का नाम है ऐसे परमात्मा ऋषभ देव से लेके परमात्मा प्रभु महावीर एवं समस्त तीर्थंकरों को मेरा कोटि सह प्रणाम है कोटि सह प्रणाम जिन चरणों को छूने से पापों का भार उतरता है जिन चरणों को छूने से पापों का भार उतरता है जिनकी वाणी सुनकर के अनुभव का ज्ञान निखरता है जिनके आभा मंडल में तप त्याग का तेज समाया है जिनकी वाणी सुनकर के देवों ने हर्ष मनाया है ऐसे पूज्य गुरुदेव को कैसे मैं वंदन नमस्कार करूं हे परमात्मा मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं पंचांग नम्रा के प्रणाम करूं पंचांग नमा के प्रणाम करूँ वाशिंगटन जयंत सेंटर के इस भाग्यशाली प्रांगण में दस लक्षण की आराधना करने वाले समस्त साधकों साधिकाओं, सादर जय जिने परम पिता परमात्मा ने जगत के जीवों का कल्याण करने के लिए जिनवाणी सुनाई और जिनवाणी को सुनवाते हुए परमात्मा ने कहा जम्मम दुखम जरा दुखम रोगा ये मरणानीय अहो दुखो संसारो जस की चंती जंतु इस संसार के अंदर जीव जन्म के दुख से जरा के दुख से मरण के दुख से और रोग के मुख्य रूप से चार कारण बता दिए कि इन चार कारणों से यह जीव संसार के अंदर दुखी होता है क्यों दुखी हो रहा है क्योंकि वह धर्म की आराधना और साधना नहीं करता जन्म और मरण एक भाव में एक बार ही होता है एक भाव में एक बार ही जन्म मरण होता है और बुढ़ापा किसी को आता है और किसी को नहीं भी आता है परंतु रोग जो है वो हमारे जीवन में जन्म से लेकर के यदि किसी के असत वेदनी कर्म बांधे हुए हैं तो जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत पर्यंत तक पता नहीं अपने शरीर में कितनी बार हमें ग्रसित करता है हमें दुखी करता है कहते हैं कि हमारे इस शरीर के अंदर साढ़े तीन करोड़ रोम हैं कितने रोम हैं साढ़े तीन करोड़ रोम हैं एक एक रोम में पौने दो दो रोग हैं यानी पाँच करोड़ अड़सठ लाख निन्यानवे हजार और पाँच सौ चौरासी रोग हमारे इस शरीर के अंदर समाये हुए हैं जब तक जीव का पुण्य प्रबल होता है तब तक ये रोग हमें सताते नहीं हैं लेकिन जिस दिन पुण्यवानी खत्म हो जाती है उस दिन क्या होता है ये हमारा शरीर रोगों का घर बन जाता है और हमें दुखी दुखी दुखी, दुखी बनाता रहता है इसीलिए परमात्मा कहते हैं जरा जावन ही वाही जावन वही जावंदियाना हायंती ताव धम्म समाय रे कि जब तक इस शरीर को शरीर में बुढ़ापा नहीं आए जब तक ये हमारा शरीर रोगों का घर न बने रोगों का मंदिर न बने और जब तक हमारी इंद्रियां शीतिल नहीं हो तब तक हमें क्या कर लेना चाहिए धर्म की आराधना और साधना कर लेनी चाहिए तो हम बड़े पुण्यवान हैं कि हमारा इस वर्ष का जो दक्ष लक्षण पर्व और हम दस लक्षण धर्म की आराधना करने का हमें ये सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ तो देखिए हमने उत्तम क्षमा उत्तम आर्जव, उत्तम मार्दव उत्तम सोच उत्तम सत्य उत्तम संयम उत्तम तप और उत्तम त्याग और उत्तम अकिंचन्य यानी नो जो परमात्मा ने हमें दस लक्षण के धर्म बताए तो नो का हमने क्या किया अपने जीवन में थोड़ा चिंतन किया और दसवां उत्तम धर्म क्या है ब्रह्मचर्य धर्म उत्तम ब्रह्मचर्य उत्तम धर्म इसके लिए परमात्मा ने क्या कहा कि प्रज्ञा बुद्धि के साथ में तीन करण और तीन योग से जो नौ बाढ़ सहित सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग मतलब बिल्कुल सादा जीवन और उच्च विचार के साथ में यदि वह विषयों का भोगों का त्याग करता है तो वही क्या है उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म कौन पाल सकता है पूर्ण रूप से जो तीन करण तीन योग से पालने वाले साधु पाल सकते हैं लेकिन श्रावक क्या करता है दो करण तीन योग से ही पाल सकता है क्यों क्योंकि वो गृहस्थी है उसको स्व स्त्री की मर्यादा होती है पर स्त्री का त्याग होता है परंतु ऐसा नहीं है कई कई श्रावक भी ऐसे हैं जो उत्कृष्ट इसका ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो इसको सबसे पहले क्या कहा कि नव बाढ़ सहित ब्रह्मचर्य का पालन करें नव बाढ़ जैसे कोई कीमती चीज़ होती है उसको अपन क्या करते हैं सिक्योर सिक्योरिटी रूम के अंदर उसको अपन अच्छे से रखते हैं तो ये क्या है कि सील रतन मोटो रतन सब रत्ना की खान तीन लोक की संपदा रही सील में आन यानी इस ब्रह्मचर्य व्रत को सील व्रत भी कहा है शील व्रत भी कहा है मैथुन मैथुन व्रत से निवृत्ति भी कहा है यानी और भी इसके नाम हो सकते हैं तो क्या कहा कि शील रत्न मोटो रत्न सब रत्ना की खान ये शील रत्न क्या है सबसे बड़ा रत्न है और रत्न को कहाँ रखा जाता है तिजोरी के अंदर सिक्योरिटी के साथ में सिक्योरिटी करके सिक्योरिटी के साथ में हर एक चीज़ को कीमती चीज़ को रखा जाता है तो वहाँ तो क्या एक ताला लगता है और एक पहरेदार रहता है परंतु यहाँ परमात्मा कितनी अच्छी हमें बात बता रहे हैं कि इस रत्नों को संभालने के लिए नौ बाढ़ बनाई है खेत की रक्षा करने के लिए जो खेत हो ना खेती बाड़ी वाला खेत होता है ना उसकी रक्षा करने के लिए खाली एक बाढ़ लगती है परंतु परमात्मा ने इस ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए कितनी बाढ़ बताई है नौ बाढ़ बताई है नौ बाढ़ के अंदर सबसे पहला बाढ़ बताया है स्थान संयम कि उस स्थान के ऊपर पुरुष ब्रह्मचारी पुरुष ना रहे उस स्थान पर ब्रह्मचारी स्त्री नहीं रहे यदि रहे तो चूहे और बिल्ली का दृष्टांत जिस प्रकार जहां पर बिल्ली रहती है वहां पर क्या चूहा सुरक्षित रह सकता है नहीं रह सकता ठीक उसी प्रकार जो जब ब्रह्मचारी पुरुष है यदि जहां पर कोई दूसरी स्त्री पहले से रह रही है और वहां पर रहने के लिए जाएगा तो कभी भी ब्रह्मचर्य खंडित होने की संभावना रहती है यहां तक कि आगमों के अंदर दसवें कालिक सूत्र में बताया है कि एक 80 साल की महिला बिल्कुल बुढ़ी मतलब जिसके जिसका शरीर पूरा हिलता है ऐसी महिला भी यदि कोई पुरुष के साथ में रहे तो कभी भी ब्रह्मचर्य खंडित होने की संभावना तो सबसे पहला क्या बताया स्थान स्थान मतलब ऐसा चुन करके जिसने मतलब ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है उसको कम से कम ऐसे स्त्री आदि के स्थान से पर स्त्री पर स्त्री के स्थान से बचना चाहिए दूसरा है कथा संयम ज्ञानी जो भी कथाएँ करें जैसे कामोत्तेजक कथाएँ सुने जैसे टीवी के अंदर कामोत्तेजक सुने तो जितना जितना ऐसी कथाएँ सुनेंगे तो मन के अंदर मैथुन सेवन के भाव जग जाते हैं तो इसके लिए क्या बताया रसना और नींबू का दृष्टांत जैसे नींबू का नाम लेते ही क्या होता है मुंह के अंदर पानी आता है उसी प्रकार जो ब्रह्मचारी पुरुष है उसको क्या करना है कथा यानी जो अश्लील कथाएं होती है उनको न पढ़ करके कौन सी कथाएं पढ़नी है कि जो हमारे जीवन का उत्थान कर सके तीसरा बताया है आसन ब्रह्मचारी जो पुरुष है या स्त्री है यदि कोई पुरुष वहाँ पर अड़तालीस वहाँ पर बैठा है तो कम से कम अड़तालीस मिनट तक उस स्थान के ऊपर नहीं बैठना उस स्थान के ऊपर नहीं बैठना कहते हैं कि जो परमाणु पुद्गल है वो भी क्या करते हैं उत्तेजना को पैदा करने वाले होते हैं तो एक स्थान पर बैठने का क्या दृष्टा दिया गई थोड़ा समय एक स्थान पर बैठने का चौथा है दृष्टि यानी देखने का देखने का यानी कोई भी स्त्री है और उस स्त्री को यदि आप उत्तेजना की दृष्टि से देखते हो राग की दृष्टि से देखते हो तो क्या होता है तो क्या होता है राग पैदा होता है तो इसके लिए क्या दृष्टांत दिया है अच्छी कच्ची आँख को सूर्य का दृष्टांत जैसे कोई बच्चा पैदा होता है और बच्चा पैदा होता ही उसको देखिए पुराने ज़माने में क्या करते थे जब बच्चा पैदा होता तो लाइट में नहीं लेके जाते थे उसको किसके लिए नहीं लेके जाते थे कि भाई बच्चे की आंखें कमज़ोर हो जाएगी और वास्तव में आज वाली मानते नहीं हैं बच्चों को क्या करते हैं लाइट के अंदर बच्चे पैदा होते हैं तो क्या होता है साल दो साल तीन साल चार साल में क्या आ जाता है चश्मा आ जाता है लेकिन पुराने जमाने में हमारे ससुर जी कम से कम पचानवे साल के रहेंगे तो भी उनके और बहुत लोगों के चश्मा आता ही नहीं था तो स्थान कसा आसन दृष्टि और शब्द सुने करें याद शब्द सुने यानी कोई कपल ये अपनी दीवार के बाहर भी बातें कर रहे हो अपने कोई कुचेष्टाई की बातें कर रहे हो और उसको भी यदि सुने तो मन क्या हो सकता है विचलित हो सकता है जैसे मेघ और मयूर का दृष्टांत जैसे बादल ग्रसते हैं तो मयूर क्या हो जाते हैं नाश नहीं लग जाता वैसे ही ब्रह्मचारी पुरुष यदि भीत की आड़ के अंदर बाहर यदि कोई स्त्री रुदन करे कोई अच्छे से भजन गावे कोई असली भजन गावे तो वहां पर क्या हो सकता है ब्रह्मचर्य खंडित होने की शब्द सुने करे याद यानी करे याद मतलब क्या कि पूर्व के भोगे हुए भोगों को जो पहले भोगे हुए भोग है कि मेरी शादी इतने साल पहले हुई मेरी सुहाग रात ऐसे मनाई गई ये ऐसे हुआ वैसे हुआ वैसे उसको भी याद करे मतलब पचास वर्ष के बाद में भी यदि याद करे तो कभी कभी क्या होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि एक एक कोई राहगीर होता है वो कहीं उसको दूसरे देश के अंदर कमाने के लिए जाना था तो रास्ते में एक बुढ़िया का मकान था बुढ़िया का मकान था तो उसने सोचा अभी मैं थका हुआ हूँ तो वो बुढ़िया के यहाँ पर गया वहाँ पर गया तो बुढ़िया ने क्या किया उसको ठंडी ठंडी चाय चाश पिलाई बटर मिल्क ठंडी ठंडी चाश पिलाई वो पीकर के वहाँ से चला गया छः महीने के बाद में जब वो वापस आया वापस आया और फिर वापस बुढ़िया के घर आया बुढ़िया के घर में गया तो बुढ़िया ने क्या कहा बेटा मैं तो सोची तू मुझे वापस मिलेगा ही नहीं अब मुझे बड़ी खुशी हुई है कि तू वापस यहाँ आया तो क्यों क्यों माता जी क्या हुआ अरे बेटा मैंने तेरे को जो छाछ पिलाई थी उस छाछ के अंदर मरा हुआ सांप था बस जैसे ही बच्चे ने सुना और वहीं पर वो क्या हो गया गिर गया और मर गया यानी कभी कभी वैसे होता नहीं पर कभी कभी ऐसे भी दृष्टांत तो हो जाते हैं कि उसको इतना अंदर शौक लग जाता है कि वो वहां पर तो शब्द सुने करे याद फिर है सर निरस और सरस आहार सरस आहार यानी स्वादिष्ट गरिष्ठ यानी रोज पांचों बीघे का सेवन खूब मक्खन खाना खूब गरिष्ठ तले पले मतलब ये स्वादिष्ट पकवान खाना वो भी क्या करते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं शरीर के अंदर रक्त मांस मज्जा इन सबको क्या करते हैं बढ़ाते हैं और जितना जितना शरीर में ये बढ़ता है उतना उतना कामोते उत, कामोत्तेजना भी बढ़ती जाती है इसीलिए क्या कहा गया कि सन्नीपात के रोगी को इसका दृष्टांत दिया सन्नी यानी संगणी करोगी ये मुझे याद है कि हम जब राजस्थान में रहते थे तो हमारे बुआसा को हुआ था तो उसमें यदि दूध और मिश्री पिला दी जाए तो व्यक्ति मर जाता है तो इस प्रकार ये सरस आहार भी आदमी को बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए हा, स्वादिष्ट आहार करो कोई मना ही नहीं लेकिन रोज रोज यदि बहुत सारे घी डाले हुए बहुत सारे तेल डाले हुए तले हुए और जैसे ड्राई फ्रूट्स रोज रोज खाएगा तो रक्त मास बढ़ेगी और जितना जितना यह शरीर में बढ़ेगा उतना उतना वीर्य बनेगा और जितना जितना बनेगा उतना उतना क्या होगा आदमी की उत्तेजना और फिर निरस आहार यानी निरस आहार भी जैसे आयुर्वेद में क्या करते हैं किसी प्रकार का कोई रस नहीं पांचों विघे का क्या कर देते हैं त्याग करते हैं त्या है? लेकिन वो भी क्या बताया कि ठूस ठूस करके नहीं खाना यदि उसको भी ठूस ठूस करके खावे तो शेर की हांडी में सवा शेर का दृष्टान्त कि हांडी तो कितनी है एक किलो बनाने की है और यदि उसमें सवा किलो अनाज बनाओगे तो क्या होगा वो हांडी फूट जाएगी उसी प्रकार मतलब ब्रह्मचारी पुरुष को कितनी कितनी जगह पर कहाँ कहाँ पर क्या क्या ध्यान रखना है तो यदि आप निरस आहार भी कर रहे हैं यानी तपस्या कर रहे हैं उसमें भी क्या है एकदम जैसे पेट भर भर के भर भर के नहीं खाना चाहिए और दसवा है शुश्रूषा शुश्रूषा मतलब शरीर का श्रृंगार करना नाना धोना मेकअप चेकअप ये, ये अपने ये सब अंतर तेल फुलेल बहुत मतलब तो 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 अच्छे से खाली शरीर को सवारना, 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 यहाँ तक कि जब स्त्रियों को ये पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का त्याग कराते हैं तो उनको मेहंदी नहीं लगाना नेल पॉलिश नहीं लगाना लिपस्टिक नहीं लगाना ब्यूटी पार्लर में जाकर के चेकअप मेकअप नहीं ये क्या होता है ये रोज रोज नहीं होता कभी कभी क्या होता है कि इस तरह का वो एकदम श्रृंगार करके आती है और पुरुष का मन क्या हो जाता है विचलित तो हो जाता है तो ये इस प्रकार की जो नौ बाढ़ है मतलब इस ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखने के लिए कितने अच्छे और कितने सुंदर उदाहरण दिए एक भोग के लिए रैना देवी, देवी और देवी और जिन रक्षित का भी उदाहरण बहुत अच्छा आता है तो ये इस तरीके से यदि जिस व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर अपना उत्थान करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा ये जो नौ बाढ़ है उस नौ बाढ़ का पूरा पूरा ध्यान रखना होगा उत्तराधीन सूत्र में कहा गया सल्लम कामा विषम कामा कामा आसी विषोपमा ये काम क्या है शल्य के समान है ये काम विष के समान है आसी विष के समान है ये काम भोगे या न भोगे भोगे उसको तो, भोगे वो तो दुख का पात्र है ही है लेकिन नहीं भोगने वाला व्यक्ति मात्र मन में इच्छा करता है काम की इच्छा करता है तो भी अनंत अनंत कर्मों को मानता है और अधम गति का मेहमान बन जाता है हमारे आगमों के अंदर बहुत सारे सुंदर सुंदर उदाहरण आए हैं जैसे विजय सेठ सेठानी का सबके सुना हुआ होगा ऋषभदेव भगवान के समय में वो हुए थे और भगवान के पास में जब वो प्रवचन सुनने के लिए गए हालांकि दोनों साथ में नहीं गए जब उनकी शादी नहीं उसके पहले वो गए थे तो जो विजय विजय सेठ गया था उसने क्या किया शुक्ल पक्ष के अंदर मैथुन से होने का त्याग और जो विजयरानी थी उसने क्या कर दिया कि कृष्ण पक्ष के अंदर ब्रह्मचर्य का पालन करना अब संजोग की बात है कि दोनों की हो गई शादी शादी हुई और उसी रात वो विजय विजय सेठ बोलता कि भाई मेरा तो शुक्ल पक्ष का त्याग है तो उसने कह दिया आपको शुक्ल पक्ष का है मेरे को कृष्ण पक्ष का है तो दोनों ने कहा कि भाई अपन यूं करते हैं कि भाई आपकी इच्छा हो तो आप अगेन मैरिज कर सकते हो आप आप दूसरी मैरिज भी कर सकते हो पति ने भी बोल दिया पति ने भी बोल दिया लेकिन दोनों इतने पक्के थे कि शादी तो करनी नहीं है अपन दोनों भाई बहन की तरह रहेंगे एक ही सेज पर सोएंगे लेकिन भाई बहन की तरह रहेंगे और नंगी तलवार बीच में रख के सोते थे कि जिस दिन मन में काम विकार पैदा हो गया उस दिन क्या कर लेंगे और किसी को पता चल गया कि ये दोनों जने ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो उस दिन क्या करेंगे हम दोनों घर बार छोड़ करके दीक्षा ले लेंगे तो एक बार क्या होता है कोई विमल नाम के केवली वहां पर आए आए तो और केवली को तो पता रहता है केवली को तो सब ज्ञान रहता है कि कौन शील पाल रहा है और कौन ने? और जब उत्कृष्ट शील पालने वाला होता है तो जैसे भगवान महावीर ने धना मुनि की प्रशंसा की थी धना मुनि धन मानव भोपाय उत्कृष्ट तप की मतलब जो जो उत्कृष्ट व्यक्ति होते हैं उनका तो भगवान गुणग्राम करते हैं तो केवल ही भगवान ने क्या कर दिया वहाँ पर कोई जिंदास नाम का श्रावक है उसको पूछा तो भी कन्फर्म किया हालांकि उनको पक्का पता है कि उसको कि भाई ये तुम्हारे नगर के अंदर एक विजय सेठ और सेठानी है वो शील व्रत के अंदर बड़े पक्के हैं तो क्योंकि हाँ बड़े पक्के हैं तो उन विमल केवली ने क्या कर दिया कि अपनी सभा के अंदर उनके सील का गुणग्राम कर दिया उनका नाम ले लिया और वहां वो भी क्या हुआ था वहां पर प्रवचन सुनने के लिए आए हुए थे कहते हैं कि उसी समय उसी समय उन्होंने दोनों ने क्या कर ली वहां पर दीक्षा अंगीकार कर ली ऐसे बहुत सारे उदाहरण जम्बू स्वामी ने जम्बू स्वामी ने क्या किया शादी की वो तो शादी से पहले ही निकलना चाहते थे लेकिन माता पिता ने समझा बुझा करके और कितनी राणियां आठ रानियों के साथ में एक एक दो दो और इंद्राणियों के समान और आठ आठ करोड़ की स्वर्ण मुद्राएं एक एक के दान में इतना जबरदस्त पैसा मिला इतना रूपवती नारियां मिली और उसी रात को वो क्या बोलते हैं कि मुझे तो दीक्षा लेनी है रानिया ही समझाती है माता पिता समझाते हैं सब समझाते हैं और जैसे ये जम्बू स्वामी दीक्षा लेने की बात करता है और उसके पहले जब उसको इतना सारा धन मान मिलता है दहेज के अंदर तो वहां प्रभव नाव का एक चोर जो अपने प्रभव सहित तो 500 साथियों के साथ वो क्या आया चोरी करने के लिए आया कि इतना दहेज आया है आज इसके यहाँ तो क्या कर लूँगा मैं चोरी कर लूँगा देखो 500 जनों के साथ मैं आया वहाँ पे और इधर जम्बू क्या कर रहा है अपनी रानियों को समझा रहा है कि ये भोग क्या है दुख के कारण है ये संपत्ति एक दिन छोड़ के जाना पड़ता है जो शरीर है वो अनित्य है मतलब ऐसा 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 समझा रहा है और वो कौन सुन रहा है प्रभव चोर भी सुन रहा है अब वो प्रभु चोर मन में विचार कर रहा है यदि यह धन सुख देने वाला होता ये काम भोग सुख देने वाले होते पत्नियां सुख देने वाली होती तो यह जम्बू छोड़ करके क्यों जाता यह भी तो नहीं छोड़ करके जाता कहते हैं कि जम्बू स्वामी ने अपनी पत्नियों से आज्ञा ली पत्नियों के माता पिता से आज्ञा ली स्वयं के माता पिता से आज्ञा ली और फिर वो क्या हुआ दीक्षा के लिए तैयार हुआ जैसे जब तक उसने क्या किया प्रभु चोर ने उसके पहले उसने गठड़िया मान ली थी ले जाने के लिए लेकिन जैसे ही उसके मन में ये भाव बदले और उसने भी क्या कह दिया कि मैं भी क्या करूँगा दीक्षा हुआ तो एक साथ में कितने लोगों ने दीक्षा ली पाँच मतलब जम्बू स्वामी जम्बू स्वामी के माता पिता उनकी आठ पत्नियाँ आठ पत्नियाँ के माता पिता तो इस प्रकार पाँच लोगों ने क्या किया एक ही बार के अंदर प्रवज्या अंगीकार की बंधुओं ये जो इस चीज को व्यक्ति समझ जाता है कि वास्तव में ये भोग तो क्या है कर्म बंध के कामे कमाई कमियम को दुखम कि ये मैं काम भोगों को छोड़ दूंगा तो मुझे क्या हो जाएगा इस अनंत संसार से मुक्ति मिल जाएगी एक बार के एक बार के काम भोग के सेवन में मैथुन सेवन में नौ लाख संगी जीव गर्भ के अंदर आते हैं और उसमें से कितने बचते हैं दो या तीन जीव मुश्किल से बचते हैं बाकी सारे के सारे मर जाते हैं तो कितना पाप का नौ लाख सन्नी वो भी कौन से जीव मनुष्य मनुष्य जाति के जीव अन्य जाति के नहीं मनुष्य जाति के जीव पैदा होते हैं तो ये जो काम भोग है कहते हैं कामे कमाई कमियम को दुखम जो इनको छोड़ देता है वास्तव में वो क्या होता है दुखों से मुक्ति पा लेता है एक बार क्या हुआ एक दासी राजा के यहाँ हमेशा फूलों की सेज बिछाया करती थी हमेशा फूलों की सुंदर से सुंदर सेज बचाती थी और खुशबूदार फूलों की सेज बिछाती थी तो एक दिन दासी के मन में विचार आया ये राजा रोज उसके ऊपर सोता है आज मैं क्या करूँ मैं भी थोड़ी दूर उसके ऊपर सो के देख लूँ तो वो दासी क्या है उसके ऊपर सो गई और कभी ऐसे ठंडे वातावरण में और ऐसी कोमल फूलों की सैया पर कभी सोई नहीं उसको सोते ही क्या आ गई नींद आ गई नींद आ गई और जितने में राजा आया राजा एकदम राजा को गुस्सा आया दासी और मेरी सेज के ऊपर सोई हुई है मेरे पलंग के ऊपर सोई हुई है आया आया राजा आया और राजा ने क्या किया कोड़े मारने शुरू किए अब जितने जैसे जैसे वो कोड़े मार रहा है वैसे वो दासी क्या कर रही है हंस रही है जितने जितने वो कोड़े मार रहा है वो दासी हंस रही है तो वो राजन बोलता है कि मैं तुम्हें मार रहा हूं और तुम हंस रही हो इसका कारण क्या है कि राजन इस फूलों की सैया पर मैं कम से कम पचास साल से तुम्हारी ये फूलों की सैया तैयार करती हूं तुम इसके ऊपर काम भोग का सेवन करते हो मैंने तो मात्र क्या किया मात्र इस के ऊपर मैं सोई जिसमें मुझे इतने कोड़े खाने पड़े अरे यार तुम इतने सालों से इस सैया पर काम भोग का सेवन कर रहे हो तो तुम्हें जीवन में कितने कोड़े खाने पड़ेंगे यह है तो राजा की आंख खुल गई कहते हैं कि राजा ने उसी समय कि वास्तव में बिल्कुल सही बात है और इन काम भोगों को किंपाक फल के समान बताया है काम भोग प्यारा लगे फल समान मीठी खाज खुजामता, पीछे दुख की खान ये काम भोग किसके तरह प्यारा लगता है किंपाक किम्पाक फल इतना मीठा होता है खाते समय इतना स्वादिष्ट और मीठा होता है लेकिन जो व्यक्ति उसको खा लेता है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है वैसे ही ये काम भोग से यदि व्यक्ति बच जाता है अपने एक और एक उम्र पार करने के बाद में तो उसको क्या सोचना चाहिए कि मैंने जीवन पर्याप्त क्या किया और एक भव में नहीं अनंत भवों में है इस लोकालोक में संख्यातीत प्रदेश जन्म मरण कर जीवने छुआन कोन प्रदेश कौन सा ऐसा प्रदेश है जहाँ पर इस जीव ने अनंत अनंत जन्म मरण नहीं किए और हर जन्म मरण के अंदर क्यों किए जन्म मरण भी क्योंकि उसने विषय वासना को छोड़ा नहीं पांच इंद्रियों के विषयों को छोड़ा नहीं कसाइयों को छोड़ा नहीं इसीलिए तो क्या कर रहा है संसार के अंदर भ्रमण कर रहा है ये जैसे हमारे शरीर के अंदर कोई फोड़ा हो जाता है और फोड़े की शल्य चिकित्सा होने के बाद में फोड़ा थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगता है तो क्या होता है उस फोड़े के अंदर इचिंग होती खुजाल आती है खुजाल आती है और उस समय यदि कोई व्यक्ति वहाँ पर उस खुजाल को करे नहीं समता से उसको सहन कर ले उसका तो वो फोड़ा क्या हो जाता है कुछ दिनों में ठीक हो जाता है परंतु जो उस खुजाल को खुजाले बिना नहीं रहता है उसके शरीर वापस रोग क्या होता है ठीक उसी प्रकार अनंत भवों में भोग भोगते भोग भोगते भोग भोगते आए हैं हम परंतु यदि उन भोगों से छुटकारा नहीं मिला एक जगह पर जीव है जन्मा बार अनंत मरा अनंती बार है कह गए ज्ञानी संत मात्र इस चौदह राजू लोक के अंदर एक ही जगह पर सुई की नोक जितनी अग्रवा की जगह पर एक जीव ने अनंत अनंत बार जन्म मरण किया इतने जन्म मरण क्यों किए क्योंकि हमें कसाय से राग से द्वेष से विषय से वासना से हमने क्या किया छुटकारा नहीं पाया तो आत्मबंधुओं कहते हैं कि भोगों से संसार का कभी ना होगा अंत भोगों से संसार का कभी न होगा अंत उलझेगा भवचक्र में कह गए ज्ञानी संत के हे भवी प्राणी तू अभी समझ ले तूने तेरे जीवन में बहुत भोग भोगे हैं नहीं भोगा ऐसी बात नहीं है तूने देवता के सुख और कहते हैं कि मनुष्य के भोगों के सामने तो देवता के भोगों के सामने तो मनुष्य के भोग कुछ भी नहीं वहां पर भी तू तो कितनी बार जन्म मरण करके आया है फिर क्यों तू तो इस संसार के अंदर आकर के अपने इन वासनाओं को नहीं छोड़ता है तो भोगों ने हमें सदैव धोखा दिया है भोगों ने हमें सदैव धोखा दिया है ठोस माल के बदले में हाथ में खाली खोखा दिया है अरे उस परमात्मा की कितनी कृपा है पुण्य कर्म से हमें मनुष्य जन्म मिला क्योंकि उस परमात्मा ने हमें एक बार और इस संसार से तिरने के लिए मौका दिया है यह सुंदर मौका हमें मिला हुआ है ये बहुत अच्छा मौका हमें मिला हुआ है बचपन बीता खेल कूद में यौवन पा घरवाया बचपन बीता खेल कूद में यौवन पा घरवाया धर्म कर्म का न समझा धर्म कर्म का न समझा विषय भोग मन भाया भोगों, भोगों भोगों में निकल गई सारी जिंदगी भोगों भोगों में निकल गई सारी जिंदगी बंधुओं ये संसार के मात्र भोग कोई ये काम भोग ही भोग नहीं है इंद्रियों के भी भोग है समय सार आगम के अंदर अमृत स्वामी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो हमारी पांच इंद्रियां हैं ऐसी की ऐसी बात भगवती सूत्र के सातवें शतक के सातवें उद्देश्य में दी है कि जो हमारी ये पांच इंद्रियां हैं इसमें तो दो तो कामेंद्रियाँ हैं तीन भोगेंद्रिया हैं कान और आँख ये कामेंद्रियाँ ये काम को पैदा करने वाली है और तीन इंद्रियाँ क्या है भोगेंद्रियाँ है ये भोग को भोगने वाली है बंधुओं घड़ी तो चल रही है और वैसे हमारे आगमों के अंदर इतने उदाहरण आए हुए हैं सुदर्शन और सीता जी ने फेरी थी यह माला सूली का सिंहासन बन गया सीतल हो गई ज्वाला सील जिसने पाला सच्चा है रखवाला फेरो एक माला हो हो फेरो एक माला सीता की स्टोरी आप सबको मालूम है कि सीता जब जंगल में थी और लवकुश पैदा हुआ एक एक धोबी ने क्या कह दिया कि अपने, अपने आप को क्या बताते हैं ब्रह्मचारी बताते हैं वन के अंदर रहा तो भी सीता को क्या हो गया संतान धोबी के मात्र कहने से रामचंद्र जी ने क्या कर दिया पूरी बात कहूं तो लंबा समय हो जाएगा रामचंद्र जी ने क्या कर दिया सीता को चौदह साल वनवास भोगने के बाद आने के बाद सीता जी को वापस निकाल दिया उन्होंने लेकिन सीता ने कहा कि मेरा सील क्या है पक्का है मुझे कितनी भी कठिन आ जाए लेकिन मैं अपने सील से डिगने वाली नहीं हूं और कहते हैं कि रावण जब लेके गया तो सबसे पहले उसने क्या किया कुंभकर्ण को जगाया जब सीता को लेके गया था रावण तो सबसे पहले कुंभकर्ण को जगाया और कहा कि मैं सीता का हरण करके आ गया तो कुंभकर्ण क्या कहता है कि यारे क्या लेके आएगा तेरे जो जचे जो कर ले तो वो क्या कहता है कि वो तो सीलवती सती है राम के अलावा किसी के सामने देखती ही नहीं तो कह रहे भाई तेरे पास में तो हजारों विद्याएं हैं तू तो चाहे जैसा रूप बना सकता है तो तू राम का रूप बना ले तो कहते है कि मैं राम का रूप बनाता तो काम नहीं होता मेरे से जब मैं राम का रूप बना लेता हूँ तो काम मेरे जीवन में पैदा ही नहीं होता है क्योंकि जहां राम वहां काम नहीं जहां काम नहीं राम दोनों एक जगह नहीं रहे काम राम और एक ठाम मतलब एक ठाम के अंदर भोगी व्यक्ति और परमात्मा की भक्ति करने वाला ये दोनों मतलब जो परमात्मा ये दोनों एक जगह पे नहीं रह सकते तो क्या कहा रावण ने कि जब मैं सीता को पाने के लिए राम का रूप धारण करता हूँ तो मुझे सीता को पाने की इच्छा ही नहीं होती है तो बंधुओं जिस प्रकार वो तो सीता को क्या किया था उसकी अग्नि परीक्षा ले गई थी और अग्नि परीक्षा अभी भी आपने आलोचना के अंदर पढ़ा था क्या बन गया था हजारों लोग देख रहे हैं वहां पर कि अब सीता क्या हो जाएगी जल के भस्मीभूत हो जाएगी सीता जल के भस्मीभूत हो जाएगी लेकिन कहते हैं कि लोग आंखें बंद करके खोलते हैं तब तक तो वो क्या कमल के फूल के ऊपर इतनी अग्नि के अंदर क्या बन गया जल बन गया सुदर्शन सेठ अभिया रानी उसके ऊपर मोहित हो गई मोहित हो गई और सुदर्शन सेठ क्या श्रावक पक्का श्रावक था पक्का श्रावक था वो पोषित करता था एक दिन अभ्याराणी के पता नहीं क्या जचा वहां में चली गई कि तुम मेरे साथ में काम भोग अब सुदर्शन तो प्रकाश श्रावत था ये कुछ भी करेगी तो मैं तो डिगने वाला हूं नहीं तो उसने क्या किया झूठा उसके ऊपर अपने कपड़े फाड़ दिए सब कुछ कर लिया और झूठा कलंक लगाने के लिए राजा को क्या कर दी कंप्लेन कर दी तो राजा क्या किया सुदर्शन सेठ को उठा करके लेके चला गया और क्या किया कि भाई ऐसे बदमाश व्यक्ति को तो क्या देना चाहिए सूली पर चढ़ा देना चाहिए कहते हैं कि उसको सूली के ऊपर चढ़ाया लेकिन जो सील में सेठा होता है उसका सीली का भी क्या बन जाता है सिंहासन बन जाता है ऐसे सोमा सती के सुभद्रा सती के और भी हमारे आज के इस वातावरण में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमको मिल जाएंगे परंतु बंधुओं ये हमारा परम सौभाग्य है कि ये दस लक्षण हमें दस लक्षण धर्म की आराधना साधना करने का हमें सुंदर सुअवसर प्राप्त हुआ और लास्ट में हमें क्या करना है क्योंकि हम लगातार इतने दिन से साथ में बैठ रहे हैं बोल रहे हैं परमात्मा की वाणी को कभी बोलते समय किसी की गलती हो जाए या बारह महीने से भले ही आपको अपन तो साथ में रही नहीं तो गलती क्या हुई तो परमात्मा क्या कहते हैं न सा जा न साजो न थानम न जाया न मुझ सवे जीवा अनंत सो ऐसी कोई जाति नहीं ऐसी कोई गति नहीं ऐसा कोई स्थान नहीं ऐसा कोई कुल नहीं कि जहां पर इस जीव ने एक एक व्यक्ति के साथ में संबंध नहीं किया एक एक बार ये अनंत अनंत संबंध कभी आपके साथ में बेटी का रूप कभी आपके साथ में पति का कभी आपके साथ में भाई का इस तरह से अनेक कभी राजा कभी प्रजा कभी स्वामी कभी चंडाल के रूप में तो कभी धनपति सेठ के रूप में यानी अनेकों रूप किए तो अपन क्या रहे वहां पर कभी पति पत्नी के रूप में भी रहे होंगे कभी माँ बेटी के रूप में तो कहते हैं कि इस भव में पर भव में भव में परिभ्रमण करते हुए यदि हमारे जीव से किसी प्रकार का वेर विरोध हुआ मन मुटा हुआ मन हो तो आज हम क्या करें यह हमारा क्षमा जो दस लक्षण पर्व का आज हम क्षमा वाणी के हिसाब से मना ले उसको कि इस दिन के लिए हम क्या करें अब सभी से हार्दिक वन वचन काया से क्षमा याचना करते हैं बंधुओं क्षमा याचना कौन कर सकता है क्षमा वीरस्य भूषणम जो वीर पुरुष होता है वो ही क्षमा दे सकता है और क्षमा मांग सकता है वीरों का भूषण क्षमा क्षमा हृदय का हार वीरों का भूषण क्षमा क्षमा हृदय का हार क्षमावान के सामने झुकता सब संसार जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर क्षमा आ जाती है क्षमा धर्म को धारण कर लेता है उसके सामने पूरी दुनिया क्या करती है झुकती है ऐसे हजारों उदाहरण हमारे आगमों के अंदर परमात्मा प्रभु महावीर जिनका कहते हैं तेईस तीर्थंकरों का कर्म एक तरफ और परमात्मा के कर्म एक तरफ कितना संगम देव ने कष्ट दिया कठपुता ना राक्षसी ने वासुदेव के भव के अंदर उनकी पत्नी थी बाकी सब पत्नियों से थोड़ा अधिक प्रेम था उससे कम था थोड़ा सा कम प्रेम होने के कारण वो मर करके क्या बनती है द्वेष से मरती तो राक्षसी बनती है और जब भगवान ध्यान में बैठे होते हैं ना तो बड़े बड़े आइस के गोले भगवान के ऊपर डाल कहते हैं कि एकदम काला शरीर हो गया लेकिन फिर भी भगवान ने किसी के ऊपर रोष नहीं किया चंड को सिख सर्प ने काटा ग्वाले ने कानों में खिले डाले पैरों में खीर बनाई यानी कहती क्षमा खड़क करे यश दुर्जनम क्यों न करिष्यति क्षमा खड़क करे यश्य दुर्जनम क्यों न करिष्यति जिस व्यक्ति के सामने रूपी शस्त्र होता है हाथ में उसका दुर्जन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और वही व्यक्ति क्या बन सकता है बड़ा बन सकता है वही व्यक्ति महान बन सकता है क्योंकि बिना सहिष्णुता के बिना सरलता के बिना सहनशीलता के व्यक्ति कभी महान नहीं बनता जब बड़ा शब्द कहा तो बड़े की बात याद आ गई बीच में कि बड़ा कितने से कितना बड़ा हो सकता है जो बड़े हम खाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा दही बड़ा ही होता है कि उससे भी बड़ा कोई होता है दही बड़ा कितना होता है इतना सा होता है तो भी उसको भी क्या बोलते हैं बड़ा और दूसरी चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी होती है उसको क्यों नहीं बोला बड़ा तो ये बड़ा क्या करता है एक अकाल्पनिक अपने हिसाब से बताता है कि मैं बड़ा कैसे बना मेरा नाम बड़ा कैसे हुआ पहले थे हम मर्द मर्द से नार हुए पहले थे हम मर्द मर्द से नार हुए करके गंगा स्नान मेल सब दूर किए कर पत्थर से युद्ध तेल में गए डुबाए निकल गए जब बार तभी हम बड़े कहलाए समझ में आई बात पहले थे मर्द मर्द से नार हुए करके गंगा स्नान मेल सब दूर किए कर पत्थर से युद्ध तेल में गए डुबाए निकल गए जब बार तभी हम बड़े कहलाए देखिए जब तक मूंग या मोट रहता है या उड़द रहता है वो क्या रहता है पुरलिंग रहता है मतलब पुरुषलिंग रहता है जब उसकी दाल बन जाती है तो वो स्त्रीलिंग यानी मुझे क्या बनाया गया सबसे पहले मैं स्त्री के रूप में पुरुष के रूप में था मुझे क्या बनाया गया स्त्री के रूप में बनाया गया और फिर के करके गंगा स्नान फिर मुझे किस में भी गया? पानी में पानी करके गंगा स्नान मेरे सब दूर गए यानी उस दाल के ऊपर जो छिलका था मेरे शरीर को रगड़ रगड़ करके धोया गया पूरा छिलका मेरा उतार दिया कर पत्थर से युद्ध फिर क्या किया शिला के ऊपर कहो चाहे ग्राइंडर में कहो चाहे मिक्सी में कहो मेरी मिंजी मिंजी को क्या कर दिया पीस दिया गया तब तक भी मैं बड़ा नहीं कहलाया कहलाया क्या बड़ा बड़ा नहीं कहलाया जब फिर मुझे क्या किया अभी भी कोई पूरी बात नहीं हुई है मैं ऐसे ही बड़ा नहीं बना तेल को कच्चे तेल में डाल दो तो बड़ा नहीं निकलता है दाल बिखर जाती है जब पीसने के बाद भी तैयार हुआ तो मुझे कलन का दाल का लेकिन बड़ा नहीं कहा और फिर अच्छा तेल को गर्म किया गर्म करके और मुझे टुकड़ो टुकड़ों में डाला गया यानी उस दाल को भी एक साथ में नहीं डाला मुझे टुकड़े टुकड़े करके उसमें डाला गया और जब तक मेरी मुंजी मिंजी नहीं भूंज गई और यदि आधा कच्चा निकाल दो तो भी उसे कोई खाने के लिए तैयार नहीं होता है। जब मेरे तेल में मैं पूरा भूंजा गया तब मैं क्या बाहर निकला तब मुझे लोगों ने क्या कहा बड़ा कहा तो आत्मबंधुओं बड़ा बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है व्यक्ति ऐसे ही बड़ा नहीं बनता है कितनी सुंदर आत्मकथा बड़े ने अपनी बताई तो भगवान महावीर बड़े कैसे बने गोसालक बड़ा कैसे बना अरे दीक्षा लेते ही राजपुत्र है दीक्षा लेते ही अरिश भगवान से आज्ञा मांग करके कि मैं महाकाल शमशान के अंदर भिक्षु प्रतिमा तप करना चाहता हूँ जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन जा करके इतनी कठिन तपस्या और उसमें भी जो थोड़े दिन पहले ही उनकी सगाई हुई थी सोमा के सोमित ब्राह्मण की लड़की के साथ में तो उसको क्या आया जैसे ही वहाँ पर ध्यान में देखा और स्वामी स्वामी बामन क्या था ये यज्ञ के लिए लकड़िया वकड़िया लेने के लिए गया था उसको देखा देखते ही अंदर से क्या हुआ क्रोध पैदा हुआ कि दो पाँच दिन पहले मेरी लड़की के साथ में इसने क्या कर सगाई की है ये कैसा निर्लज है नहीं करना तो नहीं करता था लेकिन ये कैसा निर्लज है जो यहाँ पर आकर के बैठ करके और मेरी लड़की को ठगने के लिए इसने ऐसा नाटक किया उसको गुस्सा आया और उसने क्या किया वहाँ पर शमशान के अंदर खेर की अंगारी के लकड़े अपने ये साधी लकड़ी नहीं खेर का अंगारा जिसका कत्था बनता है जो पान खाते हैं उसके अंदर कत्था खेर के, के अंगारे की लकड़ी का बनता है तो उसके खेर के अंगारे क्या होते हैं तो बहुत ज़्यादा धधकते हैं बाकी अंगारों के अंदर राख आ जाती है थोड़ा कम ताप लगता है लेकिन खेर के जो अंगारे होते हैं वो क्या होते हैं बहुत ज़्यादा धधकते हैं कहते हैं कि मिट्टी ला के गिली माटी ला के पाल बंधई सिर के ऊपर और फिर उसके अंदर क्या डाले उसने फूटे ठीकरे में फूटे जो जो बर्तन लेके जाते नहीं मृत्यु होती है तो वहाँ शमशान में उसके अंदर वो खीरे लेकर के क्या डाले कोयले लेकर के उनके सिर के ऊपर सिर खिचड़ी की तरह सीज रहा है लेकिन नाम मात्र का भी रोस नहीं नाम मात्र का भी रोजता नहीं यदि वहाँ पर गुस्सा हो जाता है तो क्या होता मुक, मुक्ति मिलती क्षमा का पुजारी वीर गज सुख माल था क्षमा का पुजारी वीर गर सुख माल था देव की का लाल था वो देव की का लाल था देव की का लाल था वो देव की का लाल था गसुकमान मुनि क्या कर रहे हैं अरे संसार के जो ससुर होते हैं कोई चूंदरी का साफा पहनाते हैं कोई गुलाबी साफा बनाते हैं कोई केसरिया साफा बांधते हैं अरे मेरे ससुर जी ने तो मेरे सिर के ऊपर मोक्ष का साफा बांधा है क्षमा का बड़ा सुंदर उदाहरण द्रौपदी का जब कौरव और पांडव का युद्ध चल रहा था तो द्रौपदी एक तंबू के अंदर खेमे के अंदर सोई हुई थी अपने पांचों पुत्रों को लेकर और युद्ध करते करते दुर्योधन जब घायल हो गया तो दुशासन ने दुर्योधन से जाकर के पूछा कि भाई तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या जो तुम्हारी अंतिम इच्छा है क्योंकि मृत्यु के समय पूछा जाता है व्यक्ति को भी किस कोई तो दान देने के लिए पूछते हैं भाई तेरी कोई भी इच्छा है तो दूसरासन पूछते हैं तेरी तो जो भी इच्छा है उसको मैं पूरी कर देता हूँ तो वो क्या कहता है बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए यदि पांडवों का सिर ला करके कोई पांडव का सिर ला करके मेरे पैर में रख दे तो मेरी आत्मा को क्या मिल जाएगी शांति मिल जाएगी कहते हैं कि दूसरासन गया द्रौपदी सो रही थी पांचों पुत्र सो रहे थे द्रौपदी को पता ही नहीं चला और पांचों पुत्रों के सिर काट करके ला करके दुर्योधन के चरणों में रखे जैसे ही दुर्योधन ने बच्चों के सिर देखे खरे मैंने बच्चों का सिर लाने का थोड़ी कहा पर क्या होता उस? अब क्या हो सकता अब पछता है द्रौपदी उठी वो चिल्लाने लगी हाहाकार करने लगी भाई पांचों पुत्रों के सिर चले गए धीरे धीरे जब वो पांडव पहुंचे उनको पता चला फिर चारों तरफ पहरेदारों को भेजा दूसरा दुशासन आखिर पकड़ा गया पकड़ा गया और लाकर के द्रौपदी के पास में खड़ा किया फिर द्रौपदी बोल यही हत्या रहा तेरे पांचों पुत्रों का इसका क्या करना चाहिए द्रौपदी क्या कहती है इसका पिता द्रोणाचार्य तो पहले ही मर चुका है और यदि इसको मार दोगे तो मेरे तो बच्चे गए वापस आने वाले नहीं है इसकी माँ गौतमी है मेरी तरह से वो भी जिंदगी भर क्या करेगी बच्चे के लिए रोएगी इसे क्षमा का दान दे दिया जाए कितनी उत्कृष्ट क्षमा ये अपन सोचते अपने जैन धर्म के अंदर जैन धर्म के अंदर आप हर धर्म के अंदर जाओ ईसा मसीह क्या कहते हैं जब ईसा मसीह को सूली के ऊपर चढ़ाया जाता है तो ऊषा मसीह कहते हैं कि ये बेचारे अज्ञानी है ये नहीं समझते हैं और कहते हैं कि अब तुम वहां चर्च में पहुंच जाओ पूजा का पात्र लेकर के चर्च में पहुंच जाओ और तुम्हें यदि याद आ जाए कि पड़ोसी के साथ में मेरा वेर विरोध है तो पूजा का पात्र वहीं रख करके पहले क्या करो जाके पड़ोसी से क्षमा याचना मांगो मोहम्मद साहब जब रोज निकलते थे, थे तो एक वृद्धा क्या करती अपने घर का सारा कचरा निकाल करके हमेशा उनके ऊपर डालती थी जैसे नियम और कैसे क्या करती पूरा कचरा इकट्ठा करती जब तक वो मोहम्मद साहब नहीं निकलते थे जब तक वो क्या करती थी वेट करती थी और हमेशा उनके ऊपर कचरा डालती वो क्या करते थे कचरे को जाड़ करके आगे निकल जाते एक बार क्या वो बुढ़िया मर गई मर गई तो मोहम्मद साहब निकले और कचरा नहीं आया कचरा नहीं आया तो कह क्या हो गया आज कचरा कैसे नहीं आया तो पड़ोसी को पूछा कि भाई साहब क्या हो गया बुढ़िया को कैसा बुढ़िया तो मर गई और यार, कितनी अच्छी थी बेचारी मेरा इतना इंतजार करती थी एकाग्रता की दृष्टि से यानी कभी भी उसने कचरे को नीचे नहीं फेंका और मेरे तो क्या फर्क पड़ता है उसने कितना ध्यान रखा एकाग्रता की दृष्टि के साथ तो वो क्या फेंकती थी मेरे ऊपर कचरा फेंकती थी कोई सोच सकता है ऐसा ऐसा सोच सकता है कोई और क्या मेरे को क्या फर्क पड़ता था मैं तो क्या कर देता थोड़ा सा झटक लेता था मेरा कचरा गौतम बुद्ध कहते हैं खंती परम तवो तितिक्षा यानी खंती यानी क्षमा करना और तितिक्षा रखना ही सबसे बड़ा क्षमा का गुण है तितिक्षा का मतलब यहाँ क्या दिया है गौतम बुद्ध ने तितिक्षा का मतलब क्षमा दिया है कि क्षमा मतलब संतोष तितिक्षा और सहनशीलता सहिं, रखना ही सबसे बड़ी क्षमा है परंतु बंधुओं आजकल हमारा क्षमा का जो स्वरूप है वो क्या हो गया आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो क्षमा का बहुत बड़ा महत्व है लेकिन व्यवहार दृष्टि में भी उसका कोई कम नहीं है व्यवहार दृष्टि में भी बहुत बड़ा महत्व है परंतु तो हमने क्या कर दिया उसके स्वरूप को अभी बदल दिया कहते है कहते हैं कि यदि हमारे शरीर में कहीं गांठ हो जाए कोई नोट हो जाए कोई रसोली हो जाए तो जब तक उसकी शल्य चिकित्सा नहीं होती है तब तक शरीर में साता पहुँचती है नहीं पहुँच ठीक उसी प्रकार यदि कसाइयों की गांठ हमारे हृदय में पड़ी हुई है और हम ऊपर से सा खमौसा सा मीचा मिथुक्रम मीछा मिधुक्रम करते हैं तो क्या हमारा खमाना सार्थक होगा कभी सार्थक नहीं होगा कहते हैं कि लकड़ी वाली जो गांठ होती है उसके कभी फर्नीचर नहीं बनते हैं। बनते हैं क्या बनते हैं तो अभी अच्छे नहीं बनते न तो उसकी बांसुरी अच्छी बनती है न कोई फर्नीचर अच्छा बनता है तो कहते हैं कि जहाँ जहाँ गांठ पड़ी हुई होती है उस गांठ को क्या कर देना चाहिए खोल देना चाहिए देखिए हम छदमस्त हैं हम पूर्ण रूप से तो नहीं खोल सकते परंतु कम से कम हम क्या करें इन कसाइयों को मंद 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 तर तो हम करें थोड़ा थोड़ा तो मंद करें अर्जुन माली भगवान के पास में रोज का पहले रोज सात व्यक्तियों के छह पुरुष और एक स्त्री की हत्या करने वाला और भगवान के पास में दीक्षा लेकर के बेले वेले पारना करता है पारने के अंदर क्योंकि किसी को बेटे को मारा किसी की पत्नी को मारा किसी की माँ को मारा तो जैसे पारने के लिए बेले बेले पारने में जाते हैं तो कोई राख डालता है आहार में क्या डालते हैं राख डालते हैं कोई कचरा डालते हैं कोई पत्थर से मारते हैं कोई गालियाँ निकालता है लेकिन अर्जुन मालिक क्या कहता है क्या कहता है अर्जुन मालिक कि मैंने तो इनके परिवार के सदस्यों को मार दिया ये तो बेचारे क्या कर रहे हैं मात्र मुझे गाली दे रहे हैं मुझे आहार ही तो नहीं दे रहे कहते कि मात्र छः महीने के अंदर छह ही महीने के अंदर अर्जुन मलिक कहाँ चला गया मोक्ष गति को प्राप्त कर लिया ऐसे हमारे आगमों के अंदर बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं तो हमें क्षमा किससे मांगना है हमें क्षमा उसी से मांगना है कि जिसके साथ में हमेशा हमारा वेर विरोध होता है लड़ाई झगड़ा होता है कहते हैं कि परमात्मा की आज्ञा है कि हम प्रतिदिन उभयकाल प्रतिक्रमण करके यानी सवेरे के समय और संध्या के समय दोनों समय प्रतिक्रमण करके चौरासी लाख जीव य से तो क्षमा मांगते हैं लेकिन अपने घर परिवार में रहते हैं अपने मित्रों के साथ में रहते हैं सामाजिक सेवा करते हैं रिश्तेदारी में शादी विवाह में जाते हैं देखो कहीं भी कोई छोटी मोटी भी बोलचाल हो जाती है तो क्या सबसे पहले क्या करना चाहिए उनसे जिनके साथ में वेर विरोध हुआ है उनके साथ में हमें क्षमा याचना करनी चाहिए क्षमा करें और क्षमा मांग लें जीत है इसमें हार नहीं क्षमा वीर का भूषण है यह कायर का व्यवहार नहीं क्षमा करें और क्षमा मांग लें जब तक अपने अपराधी को क्षमा नहीं हम करते हैं प्रेम भाव की जगह द्वेष भाव की जगह हृदय में प्रेम भाव नहीं भरते हैं तब तक क्षमा मांगने का भी हमको है अधिकार नहीं क्षमा करें और क्षमा मांग लें जीत है इसमें हार नहीं क्षमा वीर का भूषण है यह कायर का, का व्यवहार नहीं क्षमा करें और क्षमा मांग ले देश देश और जाति जाति से व्यक्ति व्यक्ति से क्षमा करें अपने अपराधी को ढूंढ़े ढूंढ़ धूंड ढूंढ़ कर क्षमा करें विश्व मेत्री का मूल मंत्र यह केवल शिष्टाचार नहीं क्षमा करे और क्षमा मांग ले जीत है इसमें हार नहीं क्षमा वीर का भूषण है यह कायर का, का व्यवहार नहीं क्षमा करे क्षमा मांगे किसी के सामने झुकने से क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं होता है परंतु ये ईगो क्या करता है ये मान क्या करता है बीच बीच में आपके सुख विकास की करती हूं कामना आपके सुख विकास की करती हूं कामना आपका दिल दुखाना ऐसी नहीं थी भावना फिर भी ये प्रवचन देते हुए परमात्मा की वाणी का प्रचार प्रसार करते हुए यदि मन में किसी प्रकार का राग द्वेष हुआ हो या किसी को कुछ प्रवचन के माध्यम से कहते तो नहीं हैं लेकिन व्यक्ति क्या करता है अपने ऊपर ले लेता है ऐसा यदि मेरे से हो गया हो तो मैं हाथ जोड़ करके मान मोड़ते आप सभी से करती हूँ क्षमा याचना क्षमा याचना क्षमा याचना आप आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे क्षमा प्रदान करेंगे मैं सबसे पहले ये जो दक्ष लक्षण पर्व के अंदर मुझे ये सुंदर सो अवसर दिया भूपेश ने मैं इसको अनेक अनेक धन्यवाद इसने मुझे पूछा मम्मी क्या करूँ आप प्रवचन दे दोगे क्या क्योंकि उसको मालूम है थोड़ा अभी मम्मी के तकलीफ है मैंने कहा नहीं भाई ठीक है इससे अपना और अच्छा ही होगा क्या है और फिर आपने आप बोले पवन भाई तो बहुत बिजी थे बहुत बिजी है लेकिन फिर भी एक दिन भी आपने क्या किया एक दिन भी आपने प्रवचन को छोड़ा नहीं और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर क्योंकि पहले भी मैं एक बार आपके साथ में दस लक्षण की आराधना करा चुकी हूँ और ये दूसरा बार आपने मुझे ये मौका दिया वैसे जैन सेंटर में तो ये इस वाशिंगटन जैन सेंटर में तो बहुत बार मुझे ये मौका मिला लेकिन इस बार मैंने सोचा कि शायद शायद इस बार ये जो मेरा छत्तीसवाँ परूषण पर्व का काल है शायद ये खाली जाएगा परंतु कहते हैं कि देवगुरु धर्म की कृपा होती है और हमारे बड़े भाई साहब यहाँ बैठे हैं बड़ों का आशीर्वाद मिलता है ये हमारे माता पिता तुल्य है इनके आशीर्वाद मिलता है तो कोई न कोई संयोग जरूर मिलता है तो आपने मुझे ये बहुत अच्छा सु अवसर प्रदान किया और लगातार जो हमारे दस लक्षण के दस धर्म बताए धर्म के दस लक्षण बताए उस लक्षण दस लक्षण के ऊपर अपने क्षोक्ष और क्षमता के अनुसार मैंने वैसे कोई मैं ज्ञानी नहीं कोई मैं ज़्यादा जानती नहीं लेकिन फिर भी अपने क्षोपम और क्षमता के अनुसार मैंने आपके सामने बात प्रस्तुत की क्योंकि देखिए कि कोई सोचे कि ये मेरा है मेरा मेरा तो कुछ है नहीं थोड़ा इधर से लिया थोड़ा इधर से लिया थोड़ा इधर से लिया और आपका दूसरों के सामने प्रकट किया अपना तो कुछ ये पहले तो परमात्मा की वाणी और परमात्मा की वाणी के होने साथ साथ में क्या हो गया हमारे गुरु भगवंतों के मुखार से सुनी हुई बातें हमारे ज्ञानदाता गुरुओं से सीखी हुई बातें उन बातों को मैंने क्या किया कि आपके सामने शेयर किया मैंने आपको प्रवचन नहीं दिया अपने आप को सुनाया किसी ने सुना या नहीं सुना जो बोलता है उसको पक्का सुनना पड़ता है और ये जो स्वाध्याय के पांच वेद बताया ना वासना पसना परिवर्तना अनुप्रेक्षा और धर्म कथा तो कम से कम दूसरों की कि किसी की अनुप्रेक्षा हुई नहीं होगी ले हुई या नहीं हुई लेकिन मुझे तो क्या करना पड़ा हर बात का छोटी छोटी बात का क्या करना पड़ा चिंतन करना पड़ा मनन करना पड़ता मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ भी है तेरा तेरा तुझको अर्पण करते क्या जाता है मेरा यदि परमात्मा की वाणी वितरा की वाणी का प्रचार प्रसार करते हुए और मेरे से किसी प्रकार का कोई गलत सब क्योंकि गाथा है बोलते हैं कभी कभी बोलते बोलते कोई गाथा छूट जाती है बीच में या कोई गाथा मुंह से गलत निकल जाती है तो वितराग जो प्रवचन है वीतरा की झिंदवाणी है उसकी परूपणा में कोई दोस्त नहीं लगे इसके लिए मैं मिच्छा में दुकड़न देती हूँ और आप सभी को अनेक अनेक धन्यवाद देते हुए आप सभी का मैं उपकार मानती हूँ आभार मानती हूँ और एक बार फिर से क्षमा याचना करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ जय जिनेन्द्र जय महावीर सिरवंदर साहब जी महराज किया गया से पूज्य गुरुदेव के आ गया से अपने से बुणा के आ गया से चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धमो मंगलम चत्तारी लोगुत्मा अर्ंता लोगुत्तमा सिद्धा लोघुत्तम साहू लौगुत्तमा केवली पणतो धमो लोघुत्तमो चत्तारी सरण पवज् अर्हंते शरण पवज् सिद्धे शरण पवज्जा साहू शरण पवज्जा केवली पनत्म धर्म शरण पवज्जा अरहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा केवली पर दया धर्म का शरणा ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भव्य प्राणी करे अराधन उसका जर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल होगा बोलिए भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा परमो धर्म की जय आचार्य उपाध्याय साधु सती मंडल की आज के धर्मानंद की जय आंटी आभारी तो हम हैं कि आपने हमारे लिए समय निकाला स्वाध्याय किया और प्रवचन दिया हम सबको दस धर्म के बारे में इतने अच्छे तरह से कहानियों भरे हुए सुनाए समझाए अपने जैन धर्म में पूरे विश्व में इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं जिससे सारे लक्षणों सारे धर्म को समझा समझ सकते हैं आपने समझाया तो सबको बहुत ही यहाँ पे थोड़े लोग थे ऑनलाइन भी उत्ते, उससे भी ज्यादा लोग थे जो सुन रहे थे हर रोज और जो जैसे भूपेश भाई बता रहे थे जो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे है वो कल परसों भी सुन के फिर भी भूपेश को पूछते हैं आज क्या होगा विषय और क्या बोलेंगे इस बारे में क्या बताएंगे तो हमारी तरफ से हम तो बहुत ही आभारी हैं हमारी तरफ से मे मिछावी दुखड़म हमने कुछ बोला कुछ किया गलती से आ, और क्षमा की बात में आपको थोड़ा सा छोटा सा तोहफा ये प्रतिक्रमण की किताब आपको देंगे जिससे आपको आज की लघु प्रतिक्रमण हर रोज हम कर रहे हैं उसका आपको बहुत बहुत अच्छा लगा पूरा प्रतिक्रमण पाठ जो हम कल शाम को पांच बजे करेंगे वो उसमें इसी में है इसी में से है पूरा सामायिक और प्रतिक्रमण का पाठ हमारा संघ की तरफ से भी आम, आप मानोगे तो लोगे तो हमारे तरफ से भी कुछ दान देना है या आप कोई जो भी संस्था बताओ हम कर सकते हैं तो आप बता दीजिए हम दक्षिण भारतीय स्वाध्याय संघ से जाते हैं लेकिन हम स्वाध्याय में जाते हैं हम कुछ लेते नहीं तो भूपेश भाई से और भी आप बात आपने हमें बहुत कुछ दिया समय दिया ना समय से बड़ी चीज क्या हो सकती भाई समय बचाकर जो करे तब सेवा सत्संग जीवन यापन का सही आया उसको ढंग मैंने अपने समय का सदुपयोग किया यहाँ पे नहीं, हमारा हमारा आप भी समय भी समय दिया नहीं वो तो सबके साथ में आपने हम हमको ये समय दिया बहुत ही कीमती थी आपकी आ, स्वाध्याय और सब कुछ जो आपने हमको समझाया तो आ, समय का तोहफा तो हम आपने हमको दिया ठीक है फिर मिच्छा में सभी को थैंक यू वेरी मच एंड कल सुबह साढ़े आठ बजे से यहाँ पे अभिषेक शांतिधारा पूजा दस लक्षण विधान होगा um, खासकर हमारे इतने सारे दस लक्षण के दस धर्म की दस उपवास किए हुए हैं तो उनके उनके लिए उनकी तरफ से विधान करेंगे um, देखोगे तो मानला सेट हो चुका है और जरूर से आइए जो भी आ सकते हैं और फिर फ्राइडे को पढ़ना का प्रोग्राम यहीं रख रहे हैं तो अभिषेक पूजा सुबह करेंगे और फिर पढ़ना होगा और फिर सैटरडे को छमावणी अभिषेक पूजा और अभिषेक शांतिदार और छमावणी की पूजा होगी टाइम जो भी व्हाट्सएप में आएगा तो जय जिन्हा अनुमोदन कर देता आज हमारा हो भाग्य है अभिनंदन है यार तपस्या करने वालों का स्वागत करो नर नार तपस्या करने वालों का स्वागत करो रे समाज तप से तन मन इंद्रिया शुद्ध होती है तपस्या ही कर्मों के मल को धोती है तप से ऐसी करनी कर लो तप से ऐसी करनी कर लो मिले सिद्धि का द्वार आज तपस्या का दिवस मनाओ नर वंदन या सन्मान करूं सत्कार करूं इन तपस्वी के दर्शन करके धन्य बनूं मौका आज मिला हम सबको मौका आज मिला हम सबको गुण गावो दिलदार आज तपस्या का दिवस मनावो नरीना इस लग, दस लक्षण पर्व पर जिन जिन भाई बहनों ने अट्ठाई की दस की सोलह की इससे ज्यादा इससे कम जितने जिन्होंने भी भले ही रात्रि का चौविहार भी किया है मतलब किसी ने एक धाणा किया किसी ने एक किया अपनी अपनी शक्ति के अनुसार सब ने किया है तो आप सभी का हमारे पूरे संघ की ओर से मेरी ओर से मेरे परिवार की ओर से सबकी सुख साता पूछते हुए आपकी तपस्या मंगलमय हो और आपका पारना भी सुख सातापूर्व हो और इसी तरह से आप शिल्पा जी जो विशेष लंबी तपस्या के अंदर भी लगातार एक दिन भी कोई आलस नहीं प्रमाद नहीं तो आपका बहुत बहुत आपकी तपस्या की अनुमोदना आपकी तपस्या सुख्सतापूर्वक हो और इसी तरह आगे तपस्या करते रहे तो था था था। अरे और इनको हिंदी पूरी समझ में आती है क्योंकि ये सुन रहे थे ना तो जो सुनता है जिसको समझ में आता है ना वो क्या करता है ये बहुत अच्छी बात है आपके भी अठाई दो क्या नाम है हर्षद भाई हर्षदाई बहुत 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 अनुमोदना देखो भाई देखो ये तो करते हैं मेरे ख्याल से हर साल करते होंगे पर जो पढ़ने वाला बच्चा है वो यदि हमारे बीच में पढ़ाई करते करते इस तरह की तपस्या करते हैं तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा हाँ तो कर <laughs> नहीं ऐसे बोलो ना करूंगी ऐसे नहीं बोलना नहीं करूंगी देखिए अपना मान लो आयुष्य खत्म हो गया तो अपनी भावना क्या है मैं तो हर साल ही करूंगी अब रहूंगी तो करूंगी नहीं रहूंगी तो नहीं करूंगी और हो जाए पहले क्यों कहू मैं नहीं करूंगी करूंगी हाँ करूंगी बस हाँ, यही रखो करूंगी करेंगे जय धनेंद्र